देखिए, पाश्चात्य संस्कृति में पाणिग्रहण एक गठबंधन तो है लेकिन संस्कार नहीं। ये कारण है पश्चिमी देशों में भारतीय वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाजों के बीच में विवाह करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर राजस्थान की परंपरागत शहरों में विदेशी अविवाहिता जोड़े या जिनके पूर्व में शादी हो चुकी वो भी राजस्थान आकर मॉक वेडिंग कर रही है। राजस्थान की पहचान उभरते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर की जा रही है। शाही शानो शौकत वाली शादियों का चलन मरुधरा में बढ़ता जा रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। राजस्थान पर्यटन ने प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया है। जिस तरह राजस्थान में शाही ठाट बाट और विभिन्न रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्में की जाती हैं, उनमें विज्ञान आधारित वैदिक संस्कारों की झलक देखने को मिलती है। यह एक गठबंधन होने के साथ साथ संस्कार के तौर पर भी देखा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में विवाह एक गठबंधन तो है लेकिन संस्कार नहीं। यही कारण है कि वहाँ विवाह विच्छेद के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। विज्ञान आधारित वैदिक संस्कारों को लेकर पश्चिमी देशों में उत्सुकता और आकर्षण देखने को मिल रहा है। वो चलन है मॉक वेडिंग और ट्रेडिशनल वेडिंग। सैलानियों में मॉक वेडिंग का ट्रेंड। राजस्थानी शादियों में परंपरागत नृत्य और संगीत, व्यंजन, पहनावा और रीति रिवाज विदेशी सैलानियों को लुभा रहे। ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स के जरिए विदेशी अविवाहित जोड़े आ रहे राजस्थान। सैलानियों में ट्रेडिशनल वेडिंग कल्चर हुआ डेवलप। विदेशी विवाहित जोड़े भी राजस्थान जाकर दोबारा से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादियां कर रहे हैं, जिसे मॉक वेडिंग का नाम दिया गया है। फ्रांस, इटली, जर्मनी सहित कई देशों के पर्यटक यहां आकर शादी कर रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञ संजय कौशिक ने बताया, इटली से जयपुर आई पर्यटक मोनिका बार्बन ने मॉक वेडिंग के लिए संपर्क किया। मोनिका बार्बन अपने पति एनरिको स्क्रोकारो को सरप्राइज देना चाहती थी। इस तरह की शादी का शुरुआती खर्चा करीब 70,000 रुपए आता है। इसमें दुल्हन की ज्वेलरी, लहंगा, मेकअप, दुल्हन की शेरवानी, कार, मंदिर में व्यवस्था, पुजारी, फेरे सहित सभी चीजें शामिल हैं। अन्य सुविधाओं की डिमांड के हिसाब से खर्चा बढ़ जाता है। राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोड़े की मॉक वेडिंग या रीमैरिज कराई जाती है। राजस्थान में बहुत सारी चीजें होती रही है, बहुत सारे लोग अन्य आकर्षणों को देखने आते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कोरोना के पहले भी ऐसा होता था कि लोग मॉक वेडिंग करने राजस्थान में आते थे और जयपुर उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। ये मॉक वेडिंग मतलब वो होता है जिसमें जो लोग पहले से शादीशुदा है लेकिन वो राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ के गढ़ हवेली महलों में और कुछ मंदिरों में शादी करना चाहते हैं तो उसको मॉक वेडिंग बोलते हैं। इसका प्रचलन पहले बहुत था लेकिन बीच में विलुप्त सी हो गई थी, लेकिन वापस अभी आने लगी है। हाल ही हमने एक इटालियन कपल की शादी कराई थी। मुझे लगता है कि ये प्रचलन वापस शुरू हो गया है और राजस्थान के लिए एक नया आकर्षण माना जाता है। विदेशी पर्यटक राजस्थान से मॉक वेडिंग इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ के परंपरागत लहंगे, ओढ़नी और शेरवानी जैसे आकर्षक पहनावे और दाल बाटी चूरमा सहित परंपरागत व्यंजन विदेशियों को आकर्षित करते हैं। The Globers, che l'anno scorso sono venuti in India e hanno fatto una cerimonia. I'm here in India with my wife and she did this surprise to me that I'm arguing that a renewal of our wedding. Well, here from our with the Globers, that are the two guys that organized this travel in India, in which the last year they did a ceremony for themselves, so she took this idea from them. बहरहाल राजसी ठाट बाट, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के पोषण के लिए राजस्थान की प्रसिद्धि देश दुनिया में रही है। पश्चिमी देशों के पर्यटकों में इन दिनों परंपरागत तरीके से विवाह की रस्में करने का चलन तेजी से बढ़ा है। राजस्थान जाकर मैरिज या रीमैरिज करेंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा सुखी और लंबा चलेगा। राजस्थान एक बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के पर्यटक राजस्थान आकर के यहाँ पर विवाह संस्कार कर रहे हैं।
जो अविवाहित जोड़े हैं वो भी यहाँ आकर के हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, हमारी परंपराओं के अनुसार शादी करना चाहते हैं, तो जो विवाहित जोड़े हैं वो भी यहाँ आकर रीमैरिज कर रहे हैं। यहाँ के रीति रिवाज, शाही ठाट बाट से की जाने वाली शादी, लोक नृत्य संगीत, खान पान व्यंजन, सभी कुछ उनको लुभा रहा है। ऐसे में ट्रैवल ट्रेड अब राजस्थान को एक बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर सामने लाने के पूरे प्रयास भी कर रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।